भाषा में ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम संस्कृत और हिंदी दोनों एक दूसरे से मिली हुई मानी जाती है। बहुत सारी बातें हैं जो दोनों में समान रूप से वचन और लेख दोनों ही भाषाओं में मिलते हैं, परंतु फर्क सिर्फ इतना है हिंदी में हम दो प्रकार के वचन प्रयोग में लाते हैं और संस्कृत में हम तीन प्रकार के वचन का प्रयोग करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक इसी प्रकार हिंदी में हम केवल दो प्रकार के लिंगों का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में हम तीन प्रकार के लिंगों का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। आइए अब इसके बाद हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं सर्वनाम शब्दों के। सर्वनाम शब्द तत् से मिलकर बना है, तत् शब्द के रूप चलते हैं स, तौ, ते। स्त्रीलिंग में यही शब्द सा, ते, ता और नपुंसक लिंग में यही तत् ते तानी के आधार पर चलते हैं। अब इन्हीं सर्वनाम शब्दों के साथ जब धातु रूप में जाते हैं तब हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। वाक्यों का निर्माण करना बहुत सरल है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए और जानने के लिए वाक्यों का निर्माण करना आना चाहिए। संस्कृत भाषा में वर्तमान काल के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वह है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, जिसके शब्द रूप चलते हैं और ती, तह, अंति के आधार पर, यानी जब इस ती के साथ मूल धातु जुड़ जाती है पट, तो बन गया पटती, पटतः। बहुवचन में यदि पट जुड़ने पर बनता है पठंती। इसी प्रकार त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दो, यूयम यानी तुम सब, और इनके लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगी कि त्वम के साथ धातु में सी का होना आवश्यक है, युवाम के साथ धातु में था का होना आवश्यक है और यूयम के साथ धातु में था का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उत्तम पुरुष में आहार के साथ आनी का प्रयोग होता है, आवान के साथ आवाह का प्रयोग होता है और वयम के साथ आमह का प्रयोग होता है। इस सब को भली प्रकार से समझने के लिए आइए हम कुछ वाक्यों की ओर देखते हैं। वह पढ़ रहा है, वह अर्थात सर, क्योंकि यह वाक्य पुल्लिंग का है। सबसे पहले वाक्य संस्कृत में बनाने के लिए हमें उसके लिंग का और वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। यह वाक्य हमारा पुल्लिंग एक वचन का है, पुल्लिंग एक वचन यानी सह, वह के लिए सह का प्रयोग हुआ, पढ़ रहा है। हमने सह के साथ ती का प्रयोग किया था और पढ़ने की मूल धातु है पढ़, सह पठती, सह पठती अर्थात वह पढ़ रहा है। वे दो नाच रही हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि हमें लिंग और वचन का ज्ञान होना आवश्यक है, नाच रही है यानी यह स्त्रीलिंग है और वे दो है यानी द्विवचन का वाक्य है। स्त्रीलिंग द्विवचन वे दो यानी ते, ते के साथ हमने कहा था कि तह का प्रयोग होता है और नाचने के लिए नृत्य धातु लगती है, ते नृत्यतः वे दो नाच रही है। तुम खा रही हो, तुम यानी त्वम, त्वम और त्वम के साथ
अवयव होता है सी का, खाने की धातु है खाद। तुम खादसी, तुम खा रहे हो। हम सब गाते हैं, हम सब यानी वया। वयव के साथ अवयव होता है अमा, और गाने की मूल धातु है गाय, गाया।